और कांग्रेस सरकार का जाना तय है, भाजपा का शोर है आना, कांग्रेस का जाना तय है। जनता उठ चुकी है, ये छोटी घोषणा है, केवल जनता को लॉलीपॉप दे रही है। रिपीट चाहते हैं अशोक गहलोत वापस आओ, मुख्यमंत्री अब की बार अशोक गहलोत बनना चाहिए। 2 महीने के टाइम में समय सामने आ जाएगा, कुछ भी बांट लो सरकार वापस नहीं आने। तो ये किट किट चल रहा है, नहीं हमारा आंध्र ग्राम पंचायत है, 3 दुकानें हैं, 3 दुकानों 30-30 किट आए, उसमें जो किट मिले हैं वो कह रहे हैं कि मिर्ची है तो धूड़ है, तेल है तो कुछ नहीं है, सब पॉपर गंडा है। लोग इनसे परेशान है, परिवर्तन चाहती है और केंद्र में मोदी जी का बहुत अच्छा राज है, इसलिए लोग है जो हम खड़े हैं। पोखरण विधानसभा की विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी रुणीचा नगरी रामदेवरा में पूछेंगे क्या मूड है यहाँ की जनता का। चुनाव का बिगुल राजस्थान में बज चुका है, हर पार्टी हर कार्यकर्ता अपनी तरह से पूरा जोर लगा रहा है, चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा है, लेकिन पब्लिक क्या जानती है, पब्लिक क्या सोचती है। इस बार की तो विधानसभा चुनाव में राजस्थान सरकार ने किस तरह काम किया, किसको ये चाहते हैं, आने वाली सरकार रिपीट हो या भाजपा की सरकार आए बदल के आए, तो इनसे पूछेंगे। कई लोग हैं यहाँ पे, कई मौजूद रामदरा के जो यहाँ के मौजूद नागरिक हैं, इनसे पूछेंगे क्या जनता का मूड है, क्या सोच रहे हैं। स्वागत है आपका। इस बार चुनाव हो रहे विधानसभा चुनाव में, क्या रामदरा की जनता क्या सोचती है, क्या अपेक्षाएं हैं, किस तरह की कांग्रेस सरकार ने काम किया है? बदला होगा इस बार पूरे राजस्थान में, वापस कांग्रेस सरकार नहीं आएगी, भाजपा की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी, जनता उग चुकी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई योजनाएं शुरू की, मोबाइल दिए हैं, कई खाद्य किट बांट रहे हैं, कई प्रकार की जो हेल्थ स्कीम जारी की है, क्या माना जाए? 2 महीने के टाइम में समय सामने आ जाएगा, कुछ भी बांट दो सरकार वापस नहीं आनी। क्यों नाखुश है लोग, इतना करने के बावजूद भी? बदलाव चाहती है राजस्थान की जनता, हमेशा बदलाव चाहती है, इस तरह बदलाव होकर आएगा। क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या सोचना है, जनता क्या मूड है, किस प्रकार की सरकार चाहते हैं, रिपीट होगी या नहीं होगी? इतनी कई योजना सरकार ने शुरू की है, सरकार ने योजना चालू, वो कागजों में ही है, धरातल स्तर पर कुछ नहीं है। जो ये किट किट चल रहा है, नहीं हमारा आंध्र ग्राम पंचायत है, 3 दुकानें हैं, 3 दुकानों 30-30 किट आए, उसमें जो किट मिले हैं वो कह रहे हैं कि मिर्ची है तो धूड़ है, तेल है तो कुछ नहीं है, सब पॉपर गंडा है। लेकिन अशोक गहलोत ने जो बात आ रही है, कई काम किए हैं, कई योजना शुरू की है, हेल्थ की स्कीम, जो स्वास्थ्य जो है। मैं, मेरा नाम माधव सिंह है, गवर्नमेंट ने कहा है कि भी मैं 1000 रुपये जो स्वीकृत कर देंगे, उसमें 2 महीने हो गए, एक बारी मेरे आया 750 रुपये, वो कहाँ हुए 1000 रुपये? ये कागजों में है और कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है। लोग इनसे परेशान है, परिवर्तन चाहती है और केंद्र में मोदी जी का बहुत अच्छा राज है, इसलिए लोग है जो बीजेपी को चाहते हैं। लेकिन बीजेपी में तो कई गुटबाजी है, वसुंधरा को इस बार दरकिनार किया जा रहा है। गुटबाजी तो कांग्रेस में इससे ज्यादा आया है, कहाँ आया गुटबाजी? अब ये कोंकण में है, बहादुर शैतान सिंह है, पब्लिक ये बोलती है कि जिसको टिकट मिलेगा उनके साथ में। कई और लोग है मोदी, क्या सोचते हैं? कांग्रेस सरकार ने 2 बड़ी चुनाव में घोषणा की थी, राहुल गांधी यहाँ पोकन आए थे, उन्होंने कहा था 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ हो, बेरोजगारी भत्ता, दोनों ही घोषणाएं पूरी नहीं की है। और कांग्रेस सरकार का जाना तय है, भाजपा का शोर है आना, कांग्रेस का जाना तय है, जनता उठ चुकी है, ये छोटी घोषणा है, केवल जनता को लॉलीपॉप दे रही है और कुछ नहीं है। यहाँ के विधायक ने कैसा काम किया, पोकन विधायक मंत्री भी है, कैबिनेट मंत्री भी है, साले मोहम्मद यहाँ जब मंत्री बने थे पहली बार, हमें भी खुशी हुई थी हमारे क्षेत्र से मंत्री जी बने हैं, लेकिन 0, 10 में से 0 नंबर है मंत्री जी ने, धरातल पर कुछ नहीं किया है, 0 काम किया है, जनता उग चुकी है सरकार से, और जल्दी से जल्दी चुनाव विधायक करने के तैयार बैठी जनता। स्कीम्स देने के बावजूद नहीं, एक तो राजस्थान में परिवर्तन होता है, और दूसरी बात धरातल पर स्कीम कोई नहीं, केवल ये एडवर्टाइज है, करोड़ों रुपए खर्च किए, धरातल पर जनता को इसका कोई लाभ नहीं। कई और लोग हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह की तो सरकार काम कर रही है, अशोक गहलोत सरकार वापस रिपीट होगी या जनता क्या चाहती है? बहुत अच्छा है अशोक गहलोत का विकास, रिपीट चाहते हैं अशोक गहलोत वापस आओ, मुख्यमंत्री अब की बार अशोक गहलोत बनना चाहिए।
किस तरह की आपको जो ये योजना है आप किस तरह लाभान्वित हो, किस तरह जनता मोबाइल दिया सब कुछ है बढ़िया है अशोक गहलोत। क्यों रिपीट क्यों होना चाहते अशोक गहलोत से खुश है लेकिन कई गुटबाजी है कांग्रेस में गुट धरिया रहेंगे या कोई गुट नहीं है कई लोग हैं उनसे पूछेंगे किस तरह की जो सरकार काम कर बहुत अच्छा सरकार काम कर रही है अशोक गहलोत की शरण बहुत अच्छी योजनाएं हैं और सरकार राजस्थान सरकार वापिस रिपीट होगी कांग्रेस की। यहाँ की कैबिनेट मंत्री है और विधायक भी है किस तरह काम किया बहुत अच्छा काम किया है आज तक जो कभी काम नहीं होते हैं विकास काम किया पोखर विधानसभा सभी सुविधाएं दी है जिसमें SP है RDO ऑफिस है शिक्षा के क्षेत्र में है कॉलेज है ट्रॉमा सेंटर है कई विकासशील काम किए और काम कर रही है और सरकार आएगी वापिस। टिकट यदि उनको चेंज दूसरी किसी को मिलती है तो क्या क्या माना जाए यहाँ पे सरकार यहाँ पे विधायक जो किसका बनेगा विधायक कांग्रेस का ही बनेगा। बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं आपको? हमें उम्मीद है कोई उम्मीद नहीं बीजेपी से। कई और लोग हैं उनसे पूछेंगे इस बार भाजपा की सरकार बनेगी बहुत बहुमत से आएगी पिछले बार महाराज प्रतापपुरी जी 350 वोटों से रह गए थे इस बार 30,000 वोटों से प्रतापपुरी जी जीतने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी और पिछली बार जो भूल हुई थी 300 वोटों से बापजी महाराज जो हार हुई थी इस बार 30,000 वोटों से महाराज जी को जिताएंगे। कांग्रेस ने इतनी योजनाएं शुरू की है तो क्या माना जाए ये योजना है क्या पब्लिक को उसका फायदा नहीं मिल रहा का? कांग्रेस की जो धरातल पे जो स्कीम है जैसे अशोक गहलोत जी ने अभी गैस के लिए सब्सिडी के लिए 500 रुपए किए थे एक बार करके जनता को बेवकूफ बनाने का काम है और कुछ नहीं है। भाजपा धरातल पे काम करती है और धरातल पे काम करने की वजह से ही इस बार महाराज प्रतापपुरी जी 30,000 वोटों से जीतेंगे। कई और लोग उनसे पूछेंगे कई लोग हैं उनसे और पूछेंगे रामदेरा के रामदेरा का विकास इसी विधानसभा क्षेत्र में जैसे कांग्रेस ने किया किसी को बीजेपी ने किया कोई किसी ने नहीं किया और 4.5 साल हुए हैं उसमें सबका ये साथ है सबका विकास हो रहा है और किसी को आज कोई आपत्ति नहीं है सब सरकार काम करती है सही करती है। तो क्या माना जाए किसकी सरकार आएगी वापस? सरकार तो कांग्रेस की बनेगी यहाँ विधायक सालेह मोहम्मद बनेंगे। यहाँ पे इतने लाखों श्रद्धालु आते हैं तो कितने काम हुए हैं यहाँ पे डेवलपमेंट के? कैसे नहीं है रामदेरा का नगर पालिका बना दिया है क्योंकि ग्राम पंचायत का बजट नहीं है इसलिए उनको सरकार को लेके भेजा था कि भाई हमारे पास में इनकम नहीं इसलिए आप भी नगर पालिका श्रीमान जी अशोक गहलोत जी ने नगर पालिका घोषणा कर दी। अभी मोबाइल स्कीम और ये सब लोगों को कैसे पूरा इसका लाभ नहीं मिल रहा है? लाभ सबको मिल रहा है कैसे नहीं मिल रहा है जहाँ लिस्ट आती है हर पंचायत में 50 ले ली आती 50 उनको मिलते हैं और खाद्य जो पैकेट उसमें भी कहते हैं हल्का सामान यूज हो रहा है। हमने सुना नहीं है वो जो लोग कहते हैं वो तो हमने कोई माल बिल्कुल सही है लेकिन कांग्रेस में जो गुटबाजी है गुटबाजी हो तो हमें पता नहीं गुटबाजी क्या है क्या। कई और लोगों ने क्या सोचती है रामदेरा की जनता इस बार जो किसी ने बदलाव होगा या नहीं होगा सरकार की? जनता हमेशा के लिए राजस्थान बदलाव चाहता है हर 5 साल के बाद में राजस्थान यही चाहता है कि सरकार दूसरी चेंज हो और जनता का काम हो परंतु गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट ने किसानों के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया 10 दिन की गिनती की बोल के कर्ज माफ़ करने के लिए बोला था सभी किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा तो किसी का कर्ज माफ़ नहीं हुआ है और भी बहुत घोषणाएं की थी उसमें से कोई भी विफल हुई सब घोषणाएं कोई नहीं हुई इसलिए जनता हमेशा बदलाव चाहती है। यहाँ से पोखरण से भी जनता का भाव ये है कि एक बार प्रतापपुरी बाप जी लगभग 300 वोटों से हार गए थे तो जनता की यह भावना है कि एक बार यहाँ से जनता साथी बदलाव और प्रतापपुरी बाजी को विजय बना के एक बार पुनः विजय बना के विधानसभा के अंदर बहना चाहती है और जनता हमेशा भाजपा की चाहती है। लेकिन जो स्कीम अशोक गहलोत ने कई प्रकार की जबरदस्त योजनाएं लॉन्च की है अभी मोबाइल की स्कीम चल रही है खाद्य पैकेट बांटे जा रहे हैं हेल्थ स्कीम है कई योजनाएं शुरू देखो हेल्थ की है वो नहीं की है वो मंजूर है परंतु जनता हमेशा बदलाव चाहती है पूरी योजना वो विफल हो रही है नहीं किया पूरा एकदम घोषणा की है बिल्कुल की है ज़्यादातर पे घोषणा काम नहीं आ रही हो लेकिन भाजपा में गुटबाजी है वसुंधरा को दरकिनार किया जा रहा है तो किसके नेतृत्व में भाजपा के लिए आती है सरकार? देखो गुटबाजी तो कांग्रेस के अंदर भी है भाजपा के अंदर भी है अशोक गहलोत की और सचिन गहलोत जी के गुटबाजी चल रही है कई साल से तो ऐसी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भाजपा की सरकार अपना बनेगी इसमें कोई फर्क। ये रामदेरा की तो जनता दिन का मूड है
अधिकतर लोगों का ये कहना है कि सरकार जो है इस बार बदली जाएगी, भाजपा की सरकार सत्ता में आएगी। कांग्रेस की सरकार ने हालांकि कई काम किए होंगे, कई योजनाएं शुरू की है, लेकिन यहाँ की जो जनता का मूड है कि सरकार बदली जानी चाहिए ताकि प्रदेश का और बेहतर काम होगा। जहां तक जो कांग्रेस सरकार ने जो काम किए हैं, योजनाएं दी है, इन कई लोगों का कहना है कि ये सब बनावटी है, दिखावटी है, सब पेपर पे है। लेकिन कई कांग्रेस के जो समर्थित जो यहाँ की जनता के कुछ लोग, उन्होंने भी बताया कि नहीं, स्कीम जो है कई बढ़िया स्कीम की है, हेल्थ स्कीम है, तो कांग्रेस की सरकार वापस आएगी, अशोक गहलोत ने बहुत बढ़िया काम किया है। जहां तक गुटबा जी की बात है, इन सभी लोगों ने बताया, गुटबा जी चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, हरेक में गुटबाजियां हैं। तो इसलिए सरकार जो है किसी की भी आए, कोई भी आए, लेकिन पब्लिक का भला होना चाहिए, ये इन लोगों का मानना है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।